आपने गिरफ्तार किया है, क्या मामला है, किस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? हमारे यहाँ पे ठाणे ग्रामीण में मुंबई अहमदाबाद हाईवे और आगरा हाईवे, वहाँ पे बहुत सारे केसेस दर्ज थे कि कस्टमर को लिफ्ट देना गाड़ी में और फिर उनको पिस्तौल और रिवॉल्वर दिखा के लूट लेना। तो इसके लिए हमारे एसपी सर माननीय श्री राजेश कुमार मोर, उन्होंने हमाररे सीनियर साहब पीआई फतेह सिंह पाटिल, इन्होंने एक टीम नियुक्त की इसके लिए, मैं और मेरी टीम। फिर इस पर हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो 12/5/2012 को हमने एक आरोपी अरेस्ट किया आबिद नाम का, और फिर उससे पूरी मालूम हुई। उसके बाद में हमने और 3 आरोपी अरेस्ट किए, उनमें से पूरा मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद में 7 केसेस जो है अभी तक हम कर रहे हैं, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन मेरे पुलिस हवालदार अविनाश शिंदे ये कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन अच्छा किया है, वेपन्स वगैरह ये सब जो ज्वेलरी है वो रिकवरी की है, और इसका आगे का इन्वेस्टिगेशन भी वही कर रहे हैं। इसके लिए हमारे मार्गदर्शन हमारे सीनियर पी आई फतेह सिंह पाटिल ये कर रहे हैं। सर, ये किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे लोग? ये कस्टमर देख के, खुद की 2 गाड़ियाँ यूज़ कर रहे थे, वो 2 गाड़ी भी हमने जब्त की है। 3 लोग बैठते थे गाड़ी में, कस्टमर को लिफ्ट देते थे, आगे 10-15 मिनट लेके जाते थे, 10-15 किलोमीटर लेके जाते थे। वहाँ जाने के बाद वेपन दिखा के उससे जो भी उसके पास है चैन कैश मोबाइल छीन लेते थे। सर, इसकी